हॉबी में आपका पहला फिश कौन सा था और आपने वो फिश क्यों खरीदा? ऐसा क्या अट्रैक्टिव था वो फिश में कि आपको लगा कि ये मैं लेके जाऊं घर में या एक एक्वेरियम रखूं घर में? वो वाक्य याद है क्या, वो इंसिडेंट याद है क्या आपको? मेरा हॉबी में आने का रीजन आई थिंक दो तीन है। एक तो हमारे घर में एक्वेरियम था, मेरे मम्मी जो है बहुत शौकीन थे। दूसरा, हमारे घर में एक पॉन्ड था, ठीक है, जो जॉइंट फैमिली था हमारा। तो मेरा ये एनिमल्स के तरफ थोड़ा शौक देख के मेरे दादाजी ने बोला कि क्यों ना वो पॉन्ड में फिश डाला जाए तो बहुत सुंदर दिखेगा। घर के सामने था पॉन्ड, तो उसको वाटरप्रूफिंग वगैरह कराया। उसमें मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कितना पानी था, क्या था, अभी लगता है कि बहुत बड़ा था बट शायद उतना भी बड़ा नहीं था। तो उसमें मैंने गपीज, मॉलीज, प्लैटीज ये सब डाल दिए और एक दिन बहुत बारिश आया एंड पूरा गपीज लॉन में, सब फिश एक्चुअली। एंड बारिश में मच्छी पकड़ रहा था मैं, बकेट में डाल रहा था मैं। ये एक्सपीरियंस था लर्निंग का। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको कौन सा फिश फर्स्ट खरीदना चाहिए और आपको उसमें से फायदा क्या है वगैरह वगैरह। बट अगर पूछा जाए कि मेरा फर्स्ट फिश कौन सा था, कि मेरा पहला अट्रैक्शन कि ये फिश मैं रखूं कौन सा था, तो वो था मूनलाइट गोरामी, कंप्लीट सिल्वर। वो एक मूनलाइट के जैसा ग्लो, ब्यूटीफुल फिश, नाइस फिन्स, लॉन्ग फिन्स, वेरी मेजेस्टिक मूवमेंट। अगर मैं वो एक्सपीरियंस याद करूं तो शायद मैंने दुकानदार से पूछा था कि इसके लिए कितना बड़ा टैंक चाहिए होगा, तो उन्होंने बोला था ठीक है छोटा सा 1-1.5 feet आप रख लो, एक टैंक घर में रखना है एंड आप ये मेडिसिन डालो, वो मेडिसिन डालो, ये मेडिसिन डालो। तो सी, बचपन से मैं थोड़ा क्यूरियस टाइप का हूं तो हर चीज का क्वेश्चन पूछता हूं। तो मैंने शॉपकीपर से पूछा था कि भाई आप मेडिसिन क्यों दे रहे हो, क्या फिश बीमार है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बीमार नहीं है, फर्स्ट क्लास फिश है, फिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेडिसिन डालो तो फिश अच्छा रहेगा। तो तभी भी मेरा डाउट था कि अगर कोई बीमार नहीं है तो मेडिसिन क्यों चाहिए। बट फिर भी मैं लेके आया और तब मैंने सोचा कि वो मेरे से एक्सपीरियंस ज्यादा है, रखते हैं दुकान में रखते हैं, तो लेके आया, मेडिसिन डाला, पानी चेंज किया, उन्होंने कुछ आइडियाज बताया था और फिश बहुत वीक हो गया। एंड मुझे बहुत बुरा लगा यार, बहुत बुरा लगा, बिकॉज वो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है और मेरे को बहुत, आई वॉज वेरी, क्या बोलते हैं, मैं उसको बहुत पसंद करता था। मेरे बेडरूम में था तो इट वॉज माइन, ओके, माई पेट। तो दैट इज वेन आई सेड नहीं, इसको ठीक करना ही है एंड उसको समझना है कि क्या प्रॉब्लम है। तब का सिचुएशन ऐसा था कि इंटरनेट नहीं था या किसी को फोन करके पूछो ऐसा नहीं था, बिकॉज कुछ अवेलेबल नहीं था। तो 3-4 शॉपकीपर्स के पास गया, उन सबसे पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नुस्खे बताए, कोई भी लॉजिक नहीं बैठ रहा था मेरे को एक भी नुस्खे में। फिर किसी ने मेरे को एक आइडिया दिया कि देखो बैंगलोर में रहते थे हम, तो वहां पे पब्लिक एक्वेरियम है, गवर्नमेंट का है, वहां पे संडे संडे को कुछ लोग ग्रुप मिलते हैं हॉबी वाले, ठीक है, उनसे जाके पूछो। वो ग्रुप था इंडियन एक्वेरियम हॉबीस्ट या एक्वेरियम सोसाइटी ऑफ कर्नाटका, ठीक है, कुछ तभी, मैं ये बोल रहा हूं ऑलमोस्ट 25-30 साल पहले का बात, तब 10 साल पुराने हॉबीस्ट, 5 साल पुराने हॉबीस्ट, 15 साल पुराने हॉबीस्ट, मतलब एक्सपीरियंस लोगों से मिलना हुआ, तब मेरे को समझ में आया कि वाटर चेंज क्या होता है, ये क्या होता है, बाकी चीजें क्या होते हैं, एंड तब मैं जाके अपना फिश को ठीक कर सका क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिला।
ये बात हमेशा याद रखो कि शॉपकीपर जो देते हैं एक बिजनेस साइड का नॉलेज देते हैं, हॉबीज जो देते हैं एक प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। हमने दो हफ्ते में दो इंपॉर्टेंट वीडियो किए बिगनर्स के लिए। एक, अगर टैंक खरीद रहे हैं तो कैसा खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए। और अगर फिश खरीद रहे हैं तो क्या देखना चाहिए, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये वाला कौन सा फिश खरीदना चाहिए, पहले अपना टैंक को समझो। अगर हमारे पास 1 फीट टैंक है, 2 फीट टैंक है, 3 फीट टैंक है, 4 फीट टैंक है, उसके हिसाब से हम मछली लें। मैंने पहले वीडियो में समझाया था हाउ टू बाय एन एक्वेरियम में कि फिल्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, टैंक साइकिल होना चाहिए, उसके बाद हम मछली खरीदेंगे। और मछली खरीदने वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि पहले होमवर्क करेंगे कि हमें कौन सा फिश पसंद आता है और उस हिसाब से जाके खरीदेंगे और टैंक वो फिश के हिसाब से सेट करेंगे। तो कम्स बैक टू कौन सा फिश खरीदें। तो ये अज्यूम करते हुए कि हमारे पास टैंक अच्छा है, फिल्टर अच्छा है, सब कुछ है, उसके लिए ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ रेडी है, हमने साइकिल भी कर लिया, अब हम जाके फिश खरीदे। तो अगर आप बिगिनर हो और आपके पास छोटा टैंक हो, ठीक है, और उस टैंक में आपने यू नो फिल्टर वगैरह डाला है एंड मे बी थोड़ा सैंड डाला है या एक ड्रिफ्टवुड या एक स्टोन ऐसा डेकोरेशन भी कुछ डाला है, तो बेस्ट आइडिया है कि आप शुरू करें स्मॉल टैंक में गप्पीज, मॉलीज, प्लाटीज, बेटा, गोरामी। ठीक है, बेटा और गोरामी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताऊंगा। देखो, ये गप्पीज, मॉलीज, प्लाटीज, स्वॉट टेल, ये सब स्मॉल फिश है, बार्ब्स, ओके, चेरी बार्ब, टाइगर बार्ब, ये सब स्मॉल फिश है। ये झुंड में अच्छा काम करते हैं, तो मिनिमम एक 6-8 फिश लेके आओ। ठीक है, एंड इनको मेंटेन करना बहुत इजी है। अगर एक सिंपल ऑक्सीजन पंप है या सिंपल स्पॉन्ज फिल्टर भी है तो गुड, वीकली वाटर चेंज, स्पॉन्ज फिल्टर भी 15-20 दिन में एक बार थोड़ा वॉश कर दिया तो ये सब मैनेज हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात, ओवरफीड नहीं करने का। गप्पीज मॉलीज में वो खुद ब्रीड करेंगे, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो बड़े होते हैं फीमेल, छोटे होता है मेल, ये कॉमन है। बहुत कलरफुल मेल, लेस कलरफुल फीमेल हमेशा। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगर छोटा फिश टैंक ले। तो अभी मैंने बोला था ना बेटा और गोरामी का, मैं बताऊंगा। बेटा और गोरामी क्या है, लाइब्रिंथ फिश है, उनके लिए ऑक्सीजन पंप वगैरह नहीं लगता है बिकॉज वो आसमान से मतलब हवा से ऑक्सीजन ले सकते हैं, उनका सिस्टम वैसा है। बिकॉज कुदरती वो क्या है, कीचड़ में पलते हैं, गंदे पानी में पलते हैं, तो वो पानी में ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो वो ऊपर आके हवा से वो ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, सरफेस पे आके ऑक्सीजन लेते हैं। बिकॉज उनका ये एडवांटेज है, कुदरती एडवांटेज है, तो उनके लिए टैंक छोटा भी हो तो चलेगा एंड अगर ऑक्सीजन पंप नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन फिल्ट्रेशन होना जरूरी है। फिल्ट्रेशन पानी को साफ रखता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि फिल्ट्रेशन नहीं डाला, बोल में डाल दिया, बहुत बहुत बीमार हो जाते हैं, ऐसा मत करो। ठीक है, पानी साफ होना मतलब नाइट्रेट रहित, अमोनिया रहित, क्लोरीन रहित पानी होना चाहिए, नहीं तो वो बीमार पड़ेंगे पड़ेंगे। अगर हमारे पास थोड़ा बड़ा टैंक है, ठीक है, जैसे कि 2 फीट हो गया, 2 फीट टैंक हो गया, तो 2 से 4 छोटे गोल्ड फिश, ठीक है, बड़े गोरामी, छोटे टैंक में ड्वार्फ गोरामी, इसमें थोड़े बड़े गोरामी, थोड़ा बड़ा बार्ब्स, ओके, रेनबो फिश, ये सब लेके आके रख सकते हैं। अगेन सिमिलर मेंटालिटी गोल्ड फिश छोड़ के, गोल्ड फिश का मैं बताता हूं, ये सब जो है बार्ब्स, रेनबोज, अगेन स्कूलिंग फिश, झुंड में अच्छा रहते हैं, जल्दी खाते हैं, उनके लिए दोनों ऑक्सीजन और फिल्ट्रेशन दोनों जरूरी है। गोल्ड फिश के लिए आप बेयर बॉटम रखे तो बेटर, टैंक खाली है नीचे बेस्ट, बिकॉज ज्यादा खाते हैं, ज्यादा कचरा करते हैं एंड कचरा क्लीन करना इजी,
गोल्ड फिश के लिए डेली 10% वाटर चेंज, कचरा निकालने के लिए वाटर चेंज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितना पानी साफ रहेगा, कचरा रहेगा तो अमोनिया रहता है, तो पानी साफ रहेगा तो फिश हेल्थी रहेगा। तो ये हुआ बड़ा टैंक, 2 फीट टैंक। 2 फीट टैंक में आप एक सिंगल फ्लावरहॉर्न रख सकते हो, ठीक है, या यू नो छोटे साइज के ड्वार्फ सिक्लिड्स आते हैं, जो साउथ अमेरिकन सिक्लिड्स आते हैं, वो रख सकते हो। स्पेशली अपिस्टोगामस, ब्यूटिफुल फिश, मेल इतना सुंदर, फीमेल थोड़ा डल, ठीक है। टैंगनीकन सिक्लिड्स आते हैं छोटे छोटे, वो एक ग्रुप रख सकते हो 2 फीट टैंक में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कंफ्यूज मत करो, मलावी सिक्लिड्स बड़ा टैंक चाहिए, लेकिन टैंगनीकन सिक्लिड्स छोटे टैंक में एक सा एरिया, मतलब 2 pairs, नो प्रॉब्लम। एंड द ब्रीड, तो आप 2 pair रखोगे तो एक एक अपना टेरिटरी बनाएगा, मस्त घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा स्टोन्स अरेंज किया, ब्यूटीफुल। एक्चुअली उसका एक टैंक बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे। नाउ अगर आपके पास 3 feet टैंक है, तो थोड़े बड़े साइज के गोल्ड फिश, सिक्लिड्स, स्मॉल साइज अरवाना, लार्जर साइज फ्लावरहॉर्न, ऑस्कर्स, एंजल फिश। एंजल फिश आप 2 feet में भी रख सकते हो, बट कम क्वांटिटी, बट 3 feet, बट 3 feet में ज्यादा सुंदर दिखेंगे, ज्यादा सुंदर ग्रो होंगे। ऑस्कर अगर 3 feet का टैंक है तो 2 रखो, ठीक है। फ्लावरहॉर्न 1 ही रख सकते हो, बट 3 feet बहुत बड़ा टैंक है उसके लिए, 2 feet, 3 feet भी चलेगा, अच्छा बढ़ेगा, अच्छा रहेगा फ्लावरहॉर्न आपका, ओके। अरवाना के लिए छोटा, इसलिए छोटा अरवाना है तो रख सकते, बट अरवाना अगर 1 feet का हो जाता है तो आपको 4 या 5 feet टैंक में शिफ्ट करना पड़ेगा। 3 feet में आप लाइक आई सेड बाब्स, रेनबोज, झुंड में घूमने वाले फिश भी रख सकते हो, थोड़ा अच्छा साइज होगा, कलरेशन भी अच्छा आएगा, बहुत सुंदर दिखेगा। अगर आप डिस्कस रखना चाहते हो तो भी 3 feet टैंक अच्छा है, ठीक है। डिस्कस आप एक 6 डिस्कस रख सकते हो, अगर बेयर बॉटम है, अगर कुछ डेकोरेशन वगैरह किया है तो उसके हिसाब से आप रखो, उनके लिए थोड़ा मूवमेंट के लिए जगह देके आप सेट करो, बहुत यूजफुल होगा ये। ऑफ कोर्स अभी 4 feet, 5 feet, 6 feet, 8 feet टैंक, बड़ा बड़ा टैंक है तो उसके हिसाब से बड़ा बड़ा मॉन्स्टर फिश, रेड टेल कैटफिश, गाराज, बहुत सारे फिश है, साइमीज टाइगर, अमेजिंग अमेजिंग फिशेज है, मॉन्स्टर फिशेज का आप जो वो सब रख सकते हो। बड़े साइज के अरवाना, सिल्वर अरवाना, या यू नो बड़े साइज के सिक्लिट जाते हैं, बड़े साइज के ऑस्कर आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल वेराइटीज आता है, आप वो सब रख सकते हो। नो अगर आप बिगिनर हो और प्लांटेड टैंक, तो हमेशा 2 feet से स्टार्ट करो, इसमें आप कोई भी टेट्राज, रैसबोराज, श्रिम्प वो सब रख सकते हो। टेट्राज अगेन झुंड में, ओके, मिनिमम एक 12 टेट्रा होना चाहिए, तब जाके वो स्कूल करेंगे, 12 रैसबोरा होना चाहिए, स्कूल करेंगे, एंड उसके लिए 2 feet टैंक से स्टार्ट करो, ठीक है। याद रखो टेट्राज, रैसबोराज, ये सब फिश ना प्लांटेड एक्वेरियम चाहिए उनको, उनको प्लांट्स चाहिए या कोई भी हाइडिंग डेकोरेशन ऐसा चाहिए, नहीं तो बहुत सारा वुड और ब्लैक वाटर, ठीक है, बहुत सारे पत्ते, आलमंड लीफ, पीछे की तरफ थोड़ा डार्क होना चाहिए, सामने थोड़ा ब्राइट है तो चलेगा, तो बहुत सुंदर ग्रो करेंगे, बहुत सुंदर रहेंगे भी, बिकॉज इनका नेचुरल हैबिटेट हो जाता है लो पीएच। इसमें आप एंजल्स भी रख सकते हो, याद रखो एंजल्स गार्डेनल्स को खा सकता है या नियॉन टेट्रा को खा सकता है, ठीक है। तो ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैटिबिलिटी, कि कौन सा फिश किसके साथ रख सकते हैं, ठीक है। अभी ये सब टैंक्स जितने भी मैंने बोले, छोटे कैटफिश रख सकते हो, ऑटोसिंक्लिस रख सकते हो, ब्रिसल नोज कैटफिश रख सकते हो, कॉमन प्लेको रख सकते हो, ठीक है, जो यू नो कचरा वगैरह खाए, घूमे फिरे, कॉरिडोरस अ ब्यूटीफुल फिश, ये सब बॉटम फीडर्स, लोचेस, कॉरिडोरस, क्लाउन लोच, या यू नो यो लोच बोलते हैं, वो भी बहुत सुंदर, अभी पता नहीं मिलता है क्या, बट ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल, ठीक है। हमेशा सोचो, जो मैं कंपैटिबिलिटी वीडियो में भी बताने वाला हूं, ठीक है, आपके टैंक में 3 लेवल है, बॉटम, लिड एंड टॉप, गप्पीज, मॉलीज, प्लैटीज, स्वॉटेल सब टॉप लेवल, टेट्रास, एंजल्स, बाब्स, ये सब रेनबोज, ये सब मिड लेवल, कॉरिडोरस, कैटफिश, लोचेस, ये सब बॉटम लेवल।
तो इन तीनों में से मैच करके लेके आओ। एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप करोगे एक टैंक जिसमें आपको एंजल चाहिए, ठीक है, तो एंजल्स आपने रखा तो मिड लेवल हो गया। एग्जाम्पल में 3 फीट टैंक है तो मैं 6 एंजल रख सकता हूं, 3 फीट टैंक 6 एंजल। नीचे में क्या करूंगा, थोड़ा एक 4-6 कॉरिडोर रखूंगा, बिकॉज अगर खाना मिस हो गया नीचे गया तो वो लोग खाएंगे। नीचे सैंड, थोड़ा वुड, इजी डेकोरेशन, एंजल्स डाला, ब्यूटिफुल दिखेंगे, ठीक है। उसके साथ टॉप लेवल में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये एंजल्स ही टॉप लेवल में आके खा लेंगे। ओके नाउ, बट इफ यू आर गोइंग फॉर समथिंग मोर लाइक अ कम्युनिटी टैंक, आपने गप्पीज रखा, थोड़ा रेनबोज रखा और कॉरिडोर्स रखा, ठीक है, तो ये 3 लेवल में आके आपको डिवाइड होएगा। अगर आप गोल्ड फिश रख रहे हो तो कोई दूसरा फिश मत रखो, गोल्ड फिश ही रखो। बहुत लोग करते हैं गोल्ड फिश के साथ गप्पी रखते हैं, गोल्ड फिश क्या करता है, गप्पी का बच्चा खा लेता है या गप्पी कोई खा लेता है। याद अगेन, जो भी फिट हो सकता है मुंह में फिश खाएगा। तो आज ये बहुत ही सिंपल वीडियो था, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरा फिश कौन सा था पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, याद है ना, मूनलाइट गुरामी, ब्यूटिफुल फिश। कमेंट्स में आप लिखो आपने कौन सा फिश से फर्स्ट स्टार्ट किया था, या आप कौन सा फिश से स्टार्ट करना चाहते हो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया और बिगिनर है, और उसमें क्या अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। फिश जो भी हो बहुत सुंदर होते हैं, हमारा जिम्मेदारी है कि हम उसको करेक्ट एनवायरमेंट दे, करेक्ट वाटर क्वालिटी दे, करेक्ट खाना दे। तो वो अपने आप बहुत सुंदर रहेंगे, आराम से रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। ये हमेशा याद में रखो, आई थिंक अदरवाइज ये अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता फिश को, ठीक है। एनीवे, तो आशा करता हूं कि ये भी वीडियो में आपको कुछ समझने को, जानने को, देखने को, एंजॉय करने को मिला एंड आपने मजा लिया। तो मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम के तरफ से, आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। मुझे हमेशा लगता है कि जो हम पहला फिश लेके आते हैं ना, वो हमारा हॉबी को ऐसा मतलब एक डायरेक्शन देने लगता है, बिकॉज आई थिंक जो मेरे जैसा जो प्लांटेड टैंक वाले होंगे तो उनको वो ही अट्रैक्ट करेगा, वो टाइप के फिश ही अट्रैक्ट करेगा। कुछ हॉबीस्ट है जो ओनली फिश ओनली पसंद करते हैं, तो उनको वो ही टाइप का अट्रैक्ट करेगा। तो वो हमारा पहला फिश हमारा हॉबी का जर्नी को डिसाइड करता है, ये मुझे लगता है। अगर आपको भी लगता है तो शेयर करो, कमेंट करो एंड हाँ, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो, मेरे लिए भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी कंपैटिबिलिटी के वीडियो के साथ, कि कौन सा फिश किसके साथ रखे और क्यों, ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय। अभी आते हैं इसका स्टोरी के बारे में। मैंने जैसे समझाया था, कुछ 300 लोगों ने स्टोरी लिखा था एंड फाइनली बहुत सारे लोग पढ़ के, मेरा पूरा टीम पढ़ के, कुछ पॉइंट्स रेटिंग्स करके कुछ 15 लोगों को मैंने चुना है। 5 चुनना था बट मैंने 15 लोगों को चुना है। अभी उन 15 लोगों को क्या मिलेगा, मैंने बोला था कि कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूं।